फ्रेंड्स, आज हमारे पास सैमसंग A20 एक हैंडसेट आया। जैसे कि आप देख सकते हैं, चार्जिंग एम्पियर तो पूरा ले रहा है, बट इसमें ग्राफिक और लाइट नहीं आ रहा है। इस हैंडसेट में एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, देख सकते हैं, कोई ग्राफिक नहीं है, कोई लाइट नहीं है। चार्जर फिर से मैं लगा के यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको। देख सकते हैं, एम्पियर तो कंज्यूम कर रहा है चार्जिंग पोर्ट में, बट आपको लाइट और ग्राफिक नहीं आ रही है। पीसीबी पूरा फ्रेश है, कोई काम किया हुआ नहीं है। डिस्प्ले भी इसका ओके है, हमने चेक कर लिया है। देख सकते हैं, कोई ग्राफिक या लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो एक ये जो सोल्यूशन हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए है, ये ऑनलाइन जो स्टूडेंट हमारे सीख रहे हैं उनको मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे गाइड करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और आप ये वीडियो देख रहे हैं ऑनलाइन कोर्स में, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्प्ले कनेक्टर को पहले आई स्कैन करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, कनेक्टर पूरा साफ़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कौन सी सप्लाई आपको चेक करनी है, यहाँ पे मैंने डायग्राम ओपन किया है सैमसंग A207 का। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हार्डवेयर सॉल्यूशन मैंने ओपन किया है। ये सीपीयू इसमें लगा है, क्वालकॉम का सीपीयू है। और इसका ग्राफिक आईसी PMI 632 वर्जन की आती है। और ये हमारा डिस्प्ले का कनेक्टर, LCD कनेक्टर जिसे कहते हैं। तो इसमें 10 लाइनें जो है MIPI की आती हैं, 3 ID की लाइनें हैं, एक रीसेट टीयरिंग 1.8। चलिए यहाँ पे सबसे पहले नीचे हम फुल टेस्टिंग कर लेते हैं। MIPI की लाइनें 330 के आसपास वैल्यू आ रही है। 10 कॉइल पे सेम वैल्यू आएगी आपको। नीचे लेफ्ट साइड से हम ट्रेसिंग स्टार्ट किए हैं, तो 330 330 330। और ID में आपको 1500 के आसपास मिलेंगी। देख सकते हैं 330 जो है हमारे 10 लाइनें पूरी, ये ID 1 ID 2 ID 3 तीनों में 1500 के आसपास वैल्यू मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर 500 के आसपास GR आता है और 1K के यहाँ पे रजिस्टर्स लगे हैं। तो नीचे की सप्लाई हमारी पूरी हो चुकी है। अब हम ऊपर के साइड चेक कर लेंगे। रीसेट 1500, टीयरिंग 1500, उसके बाद जो हमारी 1.8 की लाइन है लाल कलर की, जो ऊपर से 5वें नंबर पे है, तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर हम चेक करते हैं अभी। तो ये 500 के आसपास वैल्यू आ रही है इसमें, ओके है। 530 के आसपास वैल्यू आ रही है, ओके है। और इसमें 400 और 600 के आसपास हमको यहाँ VSP पे मिलेगा। और VSN में हमको यहाँ पर बीप मिल रही है, मतलब एक नंबर पिन में हमको देख सकते हैं VSN में बीप आ रही है। मतलब यहाँ पर जो लाइन शॉर्ट है VSN की लाइन शॉर्ट है। आप चाहे फुल टेस्टिंग उल्टा करो या सीधा करो, ये लाइन BP मारेगी यहाँ पर, क्योंकि इस हैंडसेट में ये लाइन में प्रॉब्लम आ जाता है। चलिए, इस लाइन में यहाँ तो कोई कंपोनेंट है नहीं, आगे चल के देखते हैं। ये लाइन जो जा रही है PMI 632 में, और पास में एक सीरीज़ में रजिस्टर है 0 ohms का, और एक कैपेसिटर लगा है। तो उसके लिए हमको ये शील्ड जो लगा है ऊपर, ये हीट रेजिस्टेंस टेप को हटाना होगा IC को देखने के लिए। तो तेज़ ब्लेड ले करके मैं यहाँ पर कट कर लेता हूँ। जैसे कि ये हम यहाँ से हटा लेंगे, चाके IC तो नीचे लगी है इसके। जैसे कि आप देख सकते हैं, PCB पूरा फ्रेश है, कोई काम किया हुआ नहीं है इसमें, कोई पहले ट्रेसिंग वगैरह की हुई नहीं है। लाइव आपके सामने देख रहे हैं आप लोग। अब जो कैपेसिटर है वो IC के नीचे साइड में लगा है। तो ये शील्ड भी हमको कट करनी होगी। नरम हाथों से करिए, आराम से करिए, जल्दबाजी मत करिए। इसके लिए आपको एक तेज़ कटर लेना होगा, क्योंकि पेस्टेड CPU होता है, इसमें हीट करेंगे आप सेट डेड हो सकता है। तो आपको कटर से शील्ड को कट कर लेना है। तो देख सकते हैं CPU और EMC यहाँ पर ब्लैक पेस्टेड है, तो मैंने अभी कटर ले लिया है। और IC के आसपास कट करेंगे, और क्योंकि आपको चेकिंग करनी है, नीचे जो कैपेसिटर्स लगे हैं VSN और VSP का कैपेसिटर नीचे होता है, तो हो सकता है वो कैप शॉर्ट हो या फिर IC में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी देखेंगे प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्योंकि उस कैपेसिटर को निकालना बहुत ज़रूरी है। और निकालने के बाद ही हमको पता चलेगा कि, क्योंकि बीच में कनेक्टर टू IC एक ही कैप लगा है जो कि पैरेलल में है, जो कि उसकी वजह से शॉर्टिंग आ सकती है। सीरीज़ का जो कॉयल है वो तो शॉर्टिंग कभी लाएगा नहीं, जैसे आपको पता ही है सीरीज़ वाले कंपोनेंट से शॉर्टिंग नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, और शील्ड कट करनी होगी हमको, जो हमें कैपेसिटर चाहिए वो शील्ड के नीचे लगा है, तो और भी कट करना होगा शील्ड को।
अच्छे से कट कर लेते ताकि जो कैपेसिटर हमको चेक करना है उसको चेक करने आ जाए और उसको निकाल लें। अब जो कैपेसिटर आपको दिख रहा है राइट साइड में कॉर्नर पे, उस कैपेसिटर पे अपने को चेक करना है। तो और भी मुझे शायद कट करना पड़े, अंदर जो कॉर्नर पे कैपेसिटर दिख रहा है वो वाला हमारा कैपेसिटर है। देख सकते हैं यहाँ पर डार्क कलर की जो लाइन है VSN की, जो कॉइल के बाजू वाला कैप है उस पे आपको चेक करना है शॉर्टिंग। तो देख सकते हैं अभी भी बीप आ रही है इसमें, तो थोड़ा सा और शील्ड कट कर लेते हैं ताकि उसको निकालने में आसानी हो या चेक करने भी आपको अच्छे से आ जाए। शील्ड हटाना बहुत ज़रूरी है, देख सकते हैं थोड़ा सा और शील्ड हटा लेते हैं यहाँ से। ये शील्ड कट कर दीजिए क्योंकि आगे जा कर के कहीं ना कहीं टच होकर हैंडसेट आपका रिस्टार्ट वगैरह हो सकता है। तो यहाँ पे आप कैपेसिटर अच्छी तरीके से हम चेक कर सकते हैं, ये देख सकते हैं अभी भी बीप आ रही है इसमें, मतलब अभी भी लाइन शॉर्ट है। तो सबसे पहले इसी कैपेसिटर को रिमूव करते हैं। ये देखिए नीचे जो कॉइल लगा है सीरीज़ में 0 ओम्स का रजिस्टर, वो भी बीप मार रहा है क्योंकि वो सीरीज़ में लगा है। तो सबसे पहले इस कैप को यहाँ से रिमूव करते हैं, ऊपर वाला नहीं हटाना है आपको, नीचे वाला कैप हटाना है। अब हमने सीरीज़ में जो शॉर्टिंग लाने वाला पैरेलल में जो लगा था एक कैप, उसको हटा दिया है। बट फ्रेंड्स इस लाइन में अभी भी यहाँ पर शॉर्टिंग है, कैप में कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसे कि आप देख सकते हैं। अब आपका जहन में जाएगा कि IC यहाँ पे शॉर्ट हो चुका है। बट फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इसमें इस पर्टिकुलर मॉडल में यहाँ पे अभी भी बीप आ रही है, मतलब एक साइड जो IC का साइड है वहाँ भी बीप आ रही है, दूसरा सिरा तो ग्राउंड का ही होता है कैपेसिटर का। यहाँ पे मैंने कैप चेक किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैप ओके है। तो हमारे हिसाब से IC जो कनेक्टर एक ही कैप था वो हमने निकाल दिया है। ये देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर एक नंबर पे बीप आ रही है। तो मैंने कनेक्टर को अच्छे से देखा, कनेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो अब हमको पैरेलल में देखते हैं और कुछ लगा है क्या एक और बार। ये देख सकते हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कोई कंपोनेंट नहीं लगा है। डार्क कलर की ग्रीन कलर की लाइन चेक करिए, VSN की लाइन, कोई भी यहाँ पे कंपोनेंट नहीं है, डायरेक्ट ये कनेक्टर पे जा रहा है। अब तो कोई कंपोनेंट भी नहीं है, इट मीन्स डायरेक्ट IC शॉर्ट हो चुकी है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर हम स्कीमेटिक के थ्रू जाएंगे, मतलब अगर हम हार्डवेयर सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे तो हम फंसते ही रहेंगे। बोर्नियो में और भी ऑप्शंस होते हैं, बिट मैप और डायग्राम, उसका भी हमें इस्तेमाल करना है। सिर्फ हार्डवेयर सॉल्यूशन पे डिपेंड नहीं होना है, नहीं तो हमारा काम बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरा काम बढ़ चुका है क्योंकि मैंने यहाँ पर बिट मैप और डायग्राम मैंने यूज़ नहीं किया है क्योंकि वीवो के तो डायग्राम्स होते नहीं हैं। खैर ये तो सैमसंग का मॉडल है, चलिए IC निकाल रहा हूँ यहाँ पर मैं, IC निकाल के चेक कर लेते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपके पास कुछ दूसरा अदर सोर्स नहीं है तो IC टू कनेक्टर आपने सारी चीज़ चेक कर ली है तो आखिरी में फाइनली IC ही उठानी है। बट इस मॉडल में फ्रेंड्स कुछ डिफरेंट है, इसीलिए मैं इस पे ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको ऐसा भी हो सकता है IC निकालने के बाद भी यहाँ पर शॉर्टिंग ही रहेगी, तो उसको कैसे आपको रिमूव करना है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस मॉडल में यही प्रॉब्लम आती है। तो चलिए यहाँ पे IC मैंने साफ़ कर लिए, PMI 632 इसमें लगी है 902 वर्जन की, और इसको हम रिमूव कर लेते हैं। सो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे IC हमने निकाल ली है, IC को बाजू रख देते हैं।
और अभी कोल्ड टेस्टिंग करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी शॉर्टिंग यहाँ पे आ रही है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कैप हमने रिमूव कर दिया है, आईसी भी रिमूव कर दी है, बट अभी भी शॉर्टिंग आ रही है और ट्रैक में कोई और कंपोनेंट नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे कनेक्टर में भी फॉल्ट हो सकता है या फिर कहाँ पे फॉल्ट है देखते हैं। चलिए तो बीप अभी भी आ रही है, मतलब लाइन हमारी अभी भी शॉर्ट है। तो जब हार्डवेयर सोल्यूशन से काम ना बने तो मैं एक बार कनेक्टर को अच्छे से देख रहा हूँ, कहीं पिन तो कहीं पास में ग्राउंड के साथ शॉर्ट तो नहीं है। तो यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है, पिन प्रॉपर सही है, बट लाइन तो अभी भी शॉर्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं VSN की लाइन में हमको शॉर्टिंग मिल रही है। इस लाइन में रिवर्स आप चेक करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए, फॉरवर्ड में आपको 600 के आसपास वैल्यू आनी चाहिए। तो चलिए इसका बिट मैप ओपन कर लेते हैं एक बार, अगर डायग्राम होगा तो डायग्राम ओपन करेंगे। A207 डायग्राम ओपन करते हैं वापस से। इसका स्केमेटिक भी है और बिट मैप भी है, दोनों ओपन कर लेते हैं। इनके हार्डवेयर सोल्यूशन से हम फेल हो चुके हैं। बॉर्नियो में हार्डवेयर सोल्यूशन में सारा सोल्यूशन नहीं होता है फ्रेंड्स, आपको पहले हार्डवेयर सोल्यूशन यूज़ करना है, ना हो तो बिट मैप और डायग्राम में आपको जाना है। तो चलिए हमारी VSN की जो लाइन है उस पर चेक लगाते हैं और देखते हैं क्या कोई और कंपोनेंट या कोई और सेक्शन भी इसके साथ जुड़ा है क्या, वहाँ पे शॉर्टिंग होगी तो यहाँ पे बीप बताएगी, क्योंकि आईसी तो हमने निकाल दी है। तो चलिए यहाँ पर बिट मैप से हो सकता है हमको कुछ हेल्प मिल जाए। तो यहाँ पर जूम करके हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे ही आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर ये ट्रैक जो है आपकी ये कॉर्नर वाली शील्ड के अंदर जा रही है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ रखा गया है शील्ड के नीचे। तो प्रॉब्लम यहाँ पे होगी फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई ना कोई एक लाइन कैपेसिटर के साथ जुड़ जाती होगी और उस वजह से यहाँ पर शॉर्टिंग बता रहा है। तो अक्सर इस मॉडल में इस शील्ड पे जैसे हीट करते हैं आप तो उसका रंगा निकल करके जा करके उस कैपेसिटर के साथ जुड़ जाता है और वहाँ पे वो लाइन शॉर्ट बताती है। तो चलिए थोड़ा सा हीट कर लेते हैं और उस शील्ड को निकाल लेते हैं। तो जैसे ही फ्रेंड्स साइड का शील्ड देख सकते हैं, ये मैंने निकाल लिया जिसमें लाइट सेक्शन वगैरह है, और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ NC कैप है, वहाँ पे कुछ रंगा फंसा हुआ होता है, उस वजह से यहाँ पे बीप आती है और अभी यहाँ पर शॉर्टिंग हमारी हट चुकी है जैसे कि आप देख सकते हैं। और फटाफट आईसी को बिठा देंगे क्योंकि आईसी को हमने आधे बॉलों पे ही उठाया था। इस यहाँ पे आकर के
शॉर्टेज आती है, यहाँ पे जो एनसी पेरेंट देख रहे हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ रंगा फंस जाता है इस शील्ड में से निकल करके, जिस वजह से ग्राफिक और लाइट चला जाती है। तो एक सोल्यूशन है आपके लिए, कुछ भी हो सकता है। ट्रैक आपको चेक करनी है, कंपोनेंट देखने हैं, आईसी बदलनी है। चलिए आईसी लगा लेते हैं फटाफट से। तो चलिए आईसी लगा लिया हूँ, एक बार कूल टेस्टिंग भी करके चेक कर लेते हैं, फिर देखते हैं। जैसे कि देख सकते हैं हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व की है, यहाँ से अभी बीप नहीं आ रहा है आपको। 600 के आसपास GR आ चुका है। तो चलिए अभी फोल्डर में फिट कर लेते हैं और चेक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फोल्डर में हम PCB को फिट कर लेते हैं और चार्जर लगा के चेक करते हैं क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है नहीं होता है। कनेक्टर्स आपको अच्छे से लगाने हैं, डिस्प्ले कनेक्टर या जो आपका FPC कनेक्टर होता है ऊपर और नीचे, जो चार्जिंग के लिए हम लगाते हैं जिसको बेल्ट भी कहते हैं, चार्जिंग वाला बेल्ट अच्छे से लगाना है। और ग्राफिक का जो कनेक्टर है LCD कनेक्टर भी अच्छे से लगाइए, तो ज़रूर प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा। तो देखते हैं यहाँ पर, बेल्ट अच्छे से लगाना चाहिए फ्रेंड्स, नहीं तो आपका डिस्प्ले नहीं आएगा जैसे कि आप देख सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपका काम ज़रूर सक्सेस होगा, क्योंकि अगर चार्जिंग पिन भी ख़राब रहेगा तो लाइट यहाँ पे नीचे से नहीं आएगी। बट यहाँ पे देख सकते हैं चार्जिंग का लोगो भी आ चुका है। कई मरतबा क्या होता है कि पिन फोल्डर जो आपका कनेक्टर है वो सही से बैठता नहीं है, इसलिए आपका ग्राफिक वगैरह दिखता नहीं है इसमें। चलिए PCB को अच्छे से फोल्डर में फिट कर लेते हैं और एक बार ऑन करके चेक करते हैं। देख सकते हैं 90% यहाँ पर चार्जिंग है ऑलरेडी इसमें, तो चार्जर लगाने का भी ज़रूरत नहीं है आपको। ऑन कर लेते हैं, एक बार ऑन करके चेक करते हैं, जो हमारा प्रॉब्लम था ग्राफिक और लाइट का ये सॉल्व हो चुका है फ्रेंड्स। अगर VSN या VSP की लाइन में शॉर्टिंग रहेगा तो आपका लाइट और ग्राफिक दोनों नहीं आएगा, इस चीज़ को जहन में रखना है आपको। तो सैमसंग A20S जैसा कि आप देख सकते हैं, लाइट हमारा प्रॉब्लम आ चुका है, लाइट और ग्राफिक का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एक से दो बार इस वीडियो को देखिए कौन सी लाइन को हमने ट्रेस किया है। हर मॉडल में इन्हीं लाइनों को चेक करना है आपको, थोड़ी बहुत लाइनें ऊपर नीचे होती रहेगी। उम्मीद करता हूँ ये ऑनलाइन कोर्स का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो ज़रूर व्हाट्सएप में कमेंट करके बताइए।